अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी वन एंड ओनली नायरा ली जी। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू शिमला मिर्च विद चिकन, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको अपने घर में ट्राई करें, ये बहुत आसान से बनने वाली एक रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं और खाने में बहुत ही लजीज लगती है जी। तो देखिए, हमारी जो आलू शिमला मिर्च है विद चिकन वो बहुत ही मज़ेदार लग रही है, तो चलते हैं इस रेसिपी के बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने जो है वो शिमला मिर्च को धो लिया और उसके बाद मैंने अच्छे से बारीक पीसों में इसको काट के रख लिया है। शिमला मिर्च जो है वो मैंने 1/2 kg ली थी। नेक्स्ट उसके बाद जो हम प्रोसीजर करेंगे वो ये है कि हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल के शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जी। तो देखिए, हम इसमें अब ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ले सकते हैं कि आप कितना यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, इस तरह से फ्राई करेंगे कि जो शिमला मिर्च है इसका कलर चेंज हो जाए जी। तो आप देखिए कि हमारी शिमला मिर्च का जो है वो कलर चेंज हो चुका है। शिमला मिर्च जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे आपकी आयरन की डेफिशिएंसी भी कम हो जाती है, इसमें विटामिन ए और सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। आप इसको ज़रूर खाया करें, सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप सालन में भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से सालन बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जी। तो हमारी जो कैप्सिकम थी वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, हमने स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लिया ताकि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए और ये जो फ्राई हुई हुई शिमला मिर्च थी हमने इसको सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट हमने अपने मसाले लिए हैं। मसाले में हमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, दड़ा मिर्च वगैरह ऐड किया है, कलवंची और ज़ीरा भी। साथ ही साथ हमने टमाटर और 2 अदरक चम्मच मिर्च, 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे और 2 नॉर्मल साइज़ के हमने प्याज लिए थे। और साथ में है चिकन, चिकन मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो आप दूसरा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब हमने क्या किया कि जिस ऑयल में हमने अपनी कैप्सिकम को फ्राई किया था उसी ऑयल में हमने प्याज डाल दिया और अब हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, लाइक इस तरह से करेंगे कि हमारा प्याज जो है वो सोते हो जाए और कलर चेंज होने लगे। आप देखेंगे अगर आपको उस ऑयल में आपका प्याज इजीली फ्राई हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आप और ऑयल ऐड करके इसको प्याज को फ्राई कर लेंगे जी। हमारा प्याज देखिए अब कलर चेंज कर चुका है। अब इसमें टमाटर और सब्ज मिर्च हम ऐड कर देंगे और इसके साथ जितने भी हमारे मसाला जात वगैरह थे हम उनको भी ऐड करेंगे जी। अब हमने सारे मसाले भी इसमें ऐड कर दिए, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे जी। तो देखिए मसाले हमारे जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसमें। अब हम टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे और उसको दम पे रख देंगे ताकि हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए और यकजां हो जाए, प्याज और टमाटर वो एक शेप पकड़ ले और हमारा मसाला अच्छे से भुना जाए। जी तो देखिए हमने इस पर पानी डाला है और अभी हम इसको दम पे रखेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुना जा सके और हर चीज़ इसमें प्रॉपर गल जाए जी। साथ में हमने लिए हैं 2 अदर आलू। आलू को हमने धो के छील के अच्छे से साइजेस में काट लिया है जी। तो ये देखें कि अब हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। हमारा मसाले जो टमाटर है, प्याज है वो अच्छे से गल चुका है, अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जी। तो जब हमारा मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा जी, अब देखें कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका हुआ है, ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो चुका है, तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे जब आप चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें तो आप इसमें पोटैटो ऐड कर दें जी। तो अब हम इसमें अपने पोटैटो ऐड करेंगे और उनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन और आलू को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे हमने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को फ्राई किया है।
अब हम इस पे पानी लगा देंगे कि हमारे आलू और जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। पानी लगाकर हम इसको दम पर रख देंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर आपके आलू और चिकन बहुत अच्छे से गल चुका होगा। जी तो देखिए, अब हमारे आलू और चिकन दोनों गल चुके हैं। हम आपको चेक कराएंगे। आलू बिल्कुल गल चुका है, चिकन बिल्कुल गल चुके हैं। आप इस पानी को खुश करेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। जी तो अब हमारा जो सालन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाले को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और अपना फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा सालन जो है वो रेडी है। जी देखेंगे कितना ही लजीज और मज़ेदार सा लग रहा है। अब हम इसको बाउल में सर्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक गिफ्ट होता है। प्लीज़ हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें। प्लीज़ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।